की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी का एक्शन सामने आ रहा है, जहां पर अमित कात्याल को ईडी ने हिरासत में लिया है। और तेजस्वी यादव के केस में अमित कात्याल ईडी के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए और कात्याल करीब 2 महीने से बच रहे थे। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। लालू परिवार पर ईडी ने शिकंजा कसा है। और हम आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी ने एक्शन लिया है, जहां पर अमित कात्याल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और ईडी के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे, जहां पर 2 महीने से बचते नजर आ रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से कंसल्टिंग एडिटर मधुर सील फोन लाइन पर जुड़े हैं। मधुर सील जी, क्या है पूरी जानकारी, क्या है यह पूरा मामला? देखिए तान्या, जब यूपीए सरकार चल रही थी तब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उस समय रेलवे के विभिन्न मंडलों, या कह लीजिए कि आप जो डिवीजन होता है डीआरएम के अंडर में आता है पूरा जो डिक्शन, तो कई मंडलों में ग्रुप डी में नियुक्तियां की गई थी। और तब ये आरोप लगा था कि जिन लोगों की नियुक्तियां की गई है, नियुक्तियों के बदले जमीन लिया गया है, और वो जमीन लालू प्रसाद के परिजनों के नाम से या जो उनके सहयोगी लोग हैं उनके नाम पर वो जमीन की रजिस्ट्री हुई है। जिन लोगों की नौकरियां लगी थी उसमें अलग अलग डिवीजनों में, उन लोगों ने इन लोगों के नाम से दबी, तो ये उसका नाम दिया गया नौकरी के बदले जमीन घोटाला। ये मामला तब सामने आया जब सरकार बदली और दूसरी सरकारें आई, और जांच के क्रम में ये पाया गया। फिर ईडी भी, आपने देखा होगा कि ईडी ने लगातार छापेमारी करके और कई दस्तावेज इस तरह के बरामद किए जिससे इस बात का खुलासा हो पाया। हालांकि वो मामला चल रहा है, लेकिन खुलासा हो पाया कि इन लोगों के नाम से जमीनें जो है दी गई है। कल देर रात, देर शाम कह लीजिए, दिल्ली से अमित कात्याल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने अपने हिरासत में लिया। और वो उनके ऊपर ये चार्जेस ये था कि जिस कंपनी के नाम पे जमीन की रजिस्ट्री हुई थी इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, वो उस कंपनी में अमित कात्याल डायरेक्टर है, और वो कंपनी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स इलाके में एक मकान में, उसका मकान का एड्रेस है, उस एड्रेस पर वो चलता है। और जिस भवन का, जिस मकान का, जिस बिल्डिंग का, जिसमें इसका इंफोसिस्टम का ऑफिस चलता है, तेजस्वी प्रसाद यादव के आने जाने का साक्ष्य मिला है ईडी को। और वो इस्तेमाल, ऐसा ईडी के अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि उस भवन का इस्तेमाल जिसमें ये कंपनी चलती थी, उसका इस्तेमाल तेजस्वी प्रसाद यादव करते थे, जो मौजूदा डिप्टी सीएम है बिहार सरकार में, और लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो के छोटे बेटे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो अमित कात्याल और तेजस्वी के संबंधों को बता रही है ईडी अपने जो जांच रिपोर्ट है उसमें। ईडी ये बता रही है कि अमित कात्याल और तेजस्वी यादव का संबंध है, और ये संबंध उस वक्त से चला आ रहा है जब ये जमीन नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ था। धन्यवाद जी, धन्यवाद मधुर सील जी पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से लैंड फॉर जॉब का मामला, ये काफी बड़ा मामला है जिस पर ईडी लगातार जानकारी कर रही है और लगातार इस पर शिकंजा कसते नजर आ रही है। इसी में एक नया मोड़ सामने आया, जहां पर कात्याल करीब 2 महीने से बच रहे थे, लेकिन अब उन्हें ईडी ने अपने हिरासत में ले लिया है और इस पर पूरी कार्यवाही अब चलने वाली है। तो क्या कुछ निकल के सामने आएगा, क्या नया मोड़ लेगा यह केस, देखने की बात होगी।